अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी पेशकश है चुपके चुपके एपिसोड 6 पार्ट 3। आज फाजी भाई लंच पे जाने वाले हैं उनकी होने वाली पत्नी के साथ, बीवी के साथ, बेगम के साथ। तो देखते हैं कि क्या होगा। उनकी जो बेगम है हमने अभी तक देखी नहीं है, तो अभी हमें पता चलेगा कि वो लड़की है तो है कौन। तो चलिए आगाज करते हैं। अच्छा, तो साइकोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? ये है। That's great. और ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में एनरोलमेंट का सोचा है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। अरे नहीं नहीं, आप मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। आप क्या लेंगी आप मेन्यू? जो आप चाहें। अरे आप जिंदगी के हर मामले में इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग है। ज्यादा यूएसटिक नहीं हूँ मैं, जिंदगी के हर माहौल में आसानी से ढाल लेती हूँ खुद को। क्या बात है, पूरा 1 घंटा 3 मिनट 15 सेकंड दीगर। घंटा 3 मिनट। कोई और गोली ना खिल जाए, फोन मिला फाजी को। मेरा हाँ प्यास चढ़ता है। पता नहीं ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। 1 घंटा 3 सेकंड घटी जा रही है, घटी जा रही है। एक्चुअली मैं फाजी, 2 घंटे हो गए लंच पे गए हुए, क्या जिंदगी की सारी बातें आज ही करनी थी तुमने? 15 मिनट में घर आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डोंट वरी, आई एम कमिंग। बाय। ओके। घर पे आके चिल्लाएगा। देखो ऋषि, अब तू बोला क्या दिया, अम्मा की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, वो वाले का। सभी कर, सभी कर। क्या कह रहे थे? Just give me 1 second, हाँ? आप कुछ ऑर्डर करें उतनी देर। ऋषि यार क्या मसला है, क्यों कर रहे हैं ऐसा बार बार कॉल, क्या इंप्रेशन पड़ेगा हानिया पर? अरे बाप रे। अम्मा की बहुत तबीयत खराब है, उनका बीपी बहुत हाई हो रहा है। तो मेडिसिन दे दो ना। पोल अस्पताल लेके जाओ अम्मा को, तेरे साथ जाएगी। वो कह रही है वो सिर्फ आपके साथ हॉस्पिटल जाएंगी बस, और किसी के साथ नहीं। नहीं नहीं तो क्या मैं ही बचाऊं? उसे कहो हादिया मिस्कीन भाई के साथ चली जाए यार। और खुदा के लिए रूमी को मना करना कि वो मत कॉल करे, उसी की कसर रह गई है। बाय। भाई हाथ से निकल रहा है आपका मिठल। ये रिश्ता ना कैंसिल कर दे अभी, बेचारे का खुद ही अपने हाथ से। सॉरी, कुछ डिसाइड किया आपने? मैं कहता हूँ लेट्स गो फॉर बनाना स्प्रिंग रोल्स, हाँ, फीलिंग फ्रूटी। चेहरे तो नहीं पढ़ने आते आपको? किसने कहा था 7 समंदर पार कनेक्शन बनाने के लिए? कोई आसपास ही देख लेते हादी साहब। आप कहाँ सुनते हैं कभी मेरी कोई बात? यार ये मिशी किन चक्रों में डाल रही है मुझे, इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे इसके। हादी यार एक काम कर दे प्लीज, अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई है, प्लीज जाके पूछ ले, मैं तेरी होने वाली भाभी के साथ हूँ इस वक्त। मैं कौन सा डॉक्टर हूँ, मुझे तो खुद आग लगी हुई जब से तेरी होने वाली भाभी ने मुझे इनकार किया, मेरे से नहीं उठाए जाते ये झोंसले। वाज इब्राहिम, आज तो मिंटू आपा के हाथों जरूर होगा तू शहीद। मिंटू आपा गुलाबा, हाँ। अरे बाप रे भाई साहब, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं दोनों परिंदे। हाँ
कराची। चलती पे ना तेल मत डाले। क्यों आपने ठंडा पानी डाला? चुल्लू भर पानी की तो आपको जरूरत है। तमीज से बात करो, यूं ही है तुम्हारा। अम्मा इसकी गालों की नालियां तो चेक करें, इजाजत लेकर गया था फोन पर बात करने की और ले गया लड़की को रेस्टोरेंट। पापा मेरा रिश्ता तय हो गया उस लड़की के साथ। वो तो पता है भैया, पर ऐसा कौन सा डिस्कशन चल रहा था आपका? अरे यार, हानिया कह रही थी वो मास्टर्स करना चाहती है शादी के बाद। अच्छा, मास्टर्स करना चाहती है? दादी बीमार है, एक बहन बे औलाद है, दूसरी का रिश्ता नहीं हो रहा और तीसरी अपनी ससुराल में नाखुश है और बहू मैडम मास्टर्स करना चाहती है। बाजी बा। आपा, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? पूरा एक मिनट बड़ी हूँ मैं तुझसे और बड़ा बड़ा ही होता है चाहे एक सेकंड से क्यों ना हो। ये एक मिनट तो एक दिन जान लेकर ही जान छोड़ेगा मेरी। सुन ले सरकार, सुन ले। तू अपनी चोंच बंद कर, कुल पूछ की थी कर। अम्मा इन दोनों की शादियां हो तो मेरी जान छूटे इस घर के झंझट से और अपना भी कुछ सोचूं। अच्छा अच्छा, फोन लगा फल्की को, पूछ कोई और रिश्ता बताए मिशी के लिए। अच्छा है, दोनों बहन भाई एक साथ निबट जाएंगे। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, पानी तो कम डाल। अरे मैंने कौन से डैम खाली कर दिए आपके? इस तरह मुंह चलाते रहोगे ना, ससुराल वाले अगले दिन घर भेज देंगे। सही बात। अरे आप लोग तो निकाले मुझे यहाँ से, सभी चुप करके बैठ गए। मुझे तो बुड़बुड़ करी हो ना, सब सही है। तोड़ दिया मेरा गंदा ताकि वाकई कोई ना माजूर से शादी ना करे। हाय हाय, एक तो ये मिसेज अमजद ने ना बेलड़े में बाँ आई हुई है। हैं, क्या कह रही है वो? कह रही है कि हमारी अकल पे पत्थर पड़ गए, अपनी कोर लड़की का रिश्ता दे दे। हैं, खुश अब तिजल्ला रखती तो नहीं है वो? इसको छोड़े, आप मुझे बताएं भाई, बख्तो जो है ना वो तारीख मांग रही है और वो लोग कह रहे हैं कि जब तक उनके लड़के की डेट फिक्स नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप कर लेना आज इस तकारा। पागल हो गई है क्या? सोचे कि किश्वर कि मेरे बेटे का निकाह कैंसिल हो गया है, उनको अपने तूती बाजे बजाने की पड़ी हुई है। किश्वर का ऐसा मिजाज नहीं है, उसे तो हमेशा से मीनू को अपनी बेटी की तरह समझे। हाँ ये तो वैसे सही बात है। चल करती हूँ इस्तखारा, कोई कटी कटा निकले इसका, देखे क्या होता है। ठीक है ना, करती हूँ। अम्मी रोटियां बना दू? इस आटे की रोटियां बन ही ना जाए। तो फिर आप बनाए रोटियां, मैं जा रही हूँ। कौन सा आटा है? सीमेंट बना दिया भाई। ये लो बाजी, पकड़ो अपना हिस्सा। नहीं पे मुझे नहीं खाना, खुदा ना खास्ता बाजी फौत तो नहीं होने वाली? मेरी ऑयली चीजों से ना स्किन खराब होती है और मुझे अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना है। अभी शादी की तैयारियां। अच्छा ये देखो, ये लहंगा कैसा है पता है? पूरे 150,000 का है। अब्बा के सारे गल्ले भी तोड़ दोगी ना, तब भी नहीं निकलेंगे इसमें से इतने सारे पैसे। कर दी ना गरीबों वाली बात। इसे बेबी की चमची, एक बात तो बताओ कि बेबी इस्तखारा कब करेंगी? आज रात को करेंगी। हाय, आज की बात हमेशा के लिए मेरी उस्ताद जी और पढ़ाइयों से जान छुट जाएगी, कितना मजा आएगा रवीर जी। मीनू 500 रुपए तो अर्जेंट चाहिए। एक शर्त पर 600 रुपए लूंगी। शर्म करो, अब सूद खाओगी? सूद कहाँ से आ गया, बिजनेस है ये मेरा, चाहिए या नहीं? अच्छा ओके दो। कल मुझे अपने 600 रुपए नहीं मिले ना तो जन्नत की न्यूज ब्रेक करके ना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। लड़की कल देखेंगे जन्नत। तुम तो कार्टून लगा के बैठ जाती हो, बैठो वहां पे। अच्छा ये बताओ, पिंक वाला अच्छा है या लाल वाला? पिंक वाला कर दे, लाल तो हर कोई पहनता है। मुझे भी पिंक ही अच्छा लग रहा है लेकिन है बड़ा महंगा। कोई बात नहीं, पापा इतना पोसेसिव होंगी, अंदाजा नहीं था मुझे। पूरे पाकिस्तान को अंदाजा हो चुका है, तुम्हें नहीं पता कि एक एक मिनट का हिसाब रखती तुम्हारा। कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेडली निकली वो तो, मुझे तो लगता था केयर करती है मेरी। अब इतना भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। वैसे क्या सिचुएशन होगी यार, गुलापा की कॉल, उधर अम्मा की कॉल, ऊपर से मिशी की कॉल। बेचारी हानिया को तो लगा घर में कोई बहुत बड़ा मसला हो गया। उससे क्या पता कि मसला फीसा और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी बेंजामिन सिस्टर्स। अबे ऐसा बोल, मिशी आ रही है। थिंक ऑफ द डेविल इन देयर शी इज। हानिया की कॉल।
माजी को क्या देख रही हूँ, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं हमारी। नहीं बस वैसे ही देख रही थी, आप कैसे हैं? ज़हे नसीब, शुक्र है किसी ने तो हाल पूछा हमारा। वाह भाई आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। हाँ तुम्हारी जो बात थी ना वो परसों से दिमाग में घूम रही है। कौन सी? ये कि सात समंदर पार क्यों कनेक्शन मिला रही है, कोई आस पास देख? तो फिर कोई दिखाई दिया आपको? तलाश जा रही है। वैसे चाय अच्छी बनाती हूँ। थैंक यू। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ साजी भाई शक तो नहीं हुआ मिशी को? मुझसे तो नहीं हुआ लेकिन मुझे शक में डाल गई है। क्या मतलब? उसको छोड़ यार, मुझे बता भाभी क्या कह रही थी। बचत हो गई यार, वो तो पूछ रही थी कि मीनू की फैमिली कब जवाब दे रही है उसके भाई के प्रपोजल का। आज तो पेवी ने भी इस्तखारा करना था वैसे, अल्लाह ही बचाए। हाँ यार फिर इज्तिमाई दुआ करते हैं। हाँ इस्तखारा अच्छा आ जाए। या अल्लाह प्लीज मैं कुंवारा ना मरूँ। हाँ मेरी शादी की भी दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को भी देख ले। आमीन आमीन। मेरी जॉब की दुआ कर ले। या अल्लाह हादी को जॉब भी लगवा दे। यार को प्लेस्टेशन 4 और नई गाड़ी की भी दुआ कर ले। यार मैं क्या मेरे लिए आकर तू जो पूरी दुआओं की शॉपिंग लिस्ट ही भेज दी है तूने। यार तू माइंड ही कर गया। या अल्लाह हम दोनों की दुआ कबूल फरमा। आमीन। वो ऐसे ही करते हैं ना जैसे वो सनफियान में वो पावर ईगल करती है सहदा। मिर्ची की बच्ची आवाज आज तक करो अपन जाग जाएंगे। सुनाई नहीं दे रहा ना, तो कानों में तेल डालो वरना जाके पास बैठो। वो जो तेज बोल रही है वो अब उठ गए तो सुबह करो बेबे ना उठे सहारा करके सुनो। ओ भाई बस भाई साहब क्या था ये डरा दिया मुझे। बेबे ने सुपर आ गया। बेबे क्यों है यार? हुआ क्या है कुछ तो बताएं। ना पूछ बस कुछ ना पूछ मेरे से। तू जाके तो मीनू का रिश्ते संस्कार करके आ फटाफट जा। की कर क्या लो ऐसे ले। चुप कर तू आराम से बैठ। जोर ना लो पंड काली। बेबे क्या देखा है इस तखारे में? हाय बड़ी चमकीली बड़ी खौफनाक हैबतनाक फुर्तीली किस्म की चीजें देखी मैंने। सांप नाग ने बिल्कुल तेरी छोटी दादी की तरह इतनी इतनी मोटी आंखें थी उसकी। ऐसे 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 कर रही थी मुझको। अच्छा अभी पानी तो पिया हौसला करें ना बेबे। नहीं 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 मेरा साफ एहसान ही आ रहा तुझे पानी की पड़ी हुई है। आए बेबे जब मूली वाले पराठे पापड़ों की तरह खाएंगी आप पूरी रात को तो ऐसे ही खाब आएंगे ना। मत चलो मेरे कहता मेरा ब्याह नहीं होता। मूली वाले पराठे पापड़ों की तरह। चलो जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से। सुबह पूछेंगे मैं क्यों निकाला अभी चल के सोते हैं। हां फटे मुंह तो आडा विच किधर जा रहे हो? सारे टबर को सोने की पड़ी हुई नींदरे चढ़ी हुई है तो मेरा सांप सा नहीं मिल रहा। डर के मारे मेरी जान निकली हुई है। बैठ जाओ से। अरे बेबे कुछ नहीं हुआ है आप भी सो जाएं आधी कुर्सी पड़ के। ठीक कह रहे हैं किफायत। हाय तुम लोग ना पूछो तुम्हें क्या पता मैंने देखा क्या है। मैं क्या बताऊं मुझे तो तस्वीर बनानी भी नहीं आ रही। बस समझ लो कि मोटी-मोटी आंखें बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी छोटी दादी की तरह उसी तरह बातें कर रही थी उसी तरह वो क्या उसकी जुबान है वो बोल रही थी बिल्कुल वही थी। मेरा तो नागन थी ऐसे ऐसे करती है ना वो ऐसे वाला एक्शन वो भी वो कर रही थी। अल्लाह की कसम मुझे भी नींद आनी है मुझे वही आनी है डरा डरा के ख्वाब में बार बार। छोड़े ना बेबे ख्वाब था वो सिर्फ। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ख्वाब था मान लिया ख्वाब था। तुम लोग जाओ तुम लोग क्यों मौत के फरिश्ते बन के मेरे ऊपर खड़े हो? मुझे लगता है 2 सेकंड में मैं मरने वाली हूँ। जाओ यहाँ से मेरा अल्लाह मेरे साथ है मैं खुद ही दुआ दुरुस्ती पढ़ लूंगी या तो कुर्सी पढ़ लू। जाओ कुर्सी रिएक्शन ऑन चुपके चुपके एपिसोड नंबर 6 पार्ट 3। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। मज़ा आ गया एपिसोड देख के पूरा। मतलब एंजॉय करते हैं हम एपिसोड देख के इतना अच्छा लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। हमें थोड़ा अच्छा लगता है सो दैट हम और भी अच्छे से बनाएंगे है ना। एंड मुझे ना एक चीज़ जाननी है आपसे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि दोनों जो फैमिली है बेबे की फैमिली अम्मा की फैमिली दोनों फैमिली में से आपको कौन सी फैमिली अच्छी लगती है वो बताइएगा। और बाकी स्पॉयलर्स मत दीजिए हैं जी किसकी शादी किससे होगी लास्ट में। वो ऐसे वो प्रॉब्लम हो जाता है ना यार फिर हमें पहले ही पता चलेगा कितना अच्छी बात नहीं है ना। हमारा थोड़ा सा एक्साइटमेंट टूट जाता है यार थोड़ा पसंद थोड़ा समझा करिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर बाय बाय टेक केयर सी यू।